मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी और मटर की सब्जी, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और इसकी हम सूखी सब्जी बनाएंगे और इसे हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। तो मैंने लिया है 2 चम्मच तेल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं जिसमें आप सब्जी बनाते हैं। तो इसे हम कढ़ाई में डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से पहले गर्म कर लेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो जाएगा, उसके अंदर हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, इसे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। तो जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 प्याज, मैंने छील कर इसे छोटे टुकड़े में काट लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे हटा भी सकते हैं। और इसके अंदर डालेंगे 1 हरी मिर्च, 7 से 8 कलियां लहसुन का, और 1 टुकड़ा अदरक का मैंने कूट लिया है, इसे भी डाल देंगे। ये सब्जी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। बहुत ज़्यादा मसाला हम इसके अंदर नहीं डालेंगे जिससे सब्जी हेल्दी बनेगी और टेस्टी भी। इसे हल्का सा भून लेते हैं। तो प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हो गई है, आंच को हमने धीमा कर दिया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो हमने लिया है 1/2 चम्मच आमचूर का पाउडर खटास के लिए, 1/4 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। ये सारी चीजें अंदर डाल देंगे तेल में, इसे हल्का सा भून लेंगे। इससे क्या होगा, मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून जाएगा और इसमें सोंधापन आ जाएगा। तो बस 10 सेकेंड के लिए भूनना है, ज्यादा नहीं, मसाला जल ना जाए ये ध्यान रखना है। 1 टमाटर को हमने छोटे टुकड़े में काट लिया है, इसे डाल देते हैं इसके अंदर, हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो मसाला भी हमारा भून चुका है और टमाटर भी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे मटर। तो हमने 1 छोटी कटोरी मटर लिया है, ये फ्रेश मटर है, इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे और इसके साथ ही इसमें नमक भी डाल देंगे जिससे मटर हमारी अच्छी तरीके से और जल्दी से गल जाएगी। तो हमने 1/2 चम्मच नमक लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं, इसे डाल देंगे, इसे मिला लेते हैं। और इसे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसे हम ढक देंगे, क्योंकि मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है तो टमाटर के अंदर से जो पानी निकलेगा उसी से मटर हमारी पक जाएगी। तो इसे हम ढक देते हैं। तो चलिए हम मटर को चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं टमाटर से जो पानी निकला है इसी से मटर हमारी सॉफ्ट हो गई है। मटर को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले मटर को डाल दिया है मसाले में और ये हल्की से सॉफ्ट हो गई है। पत्ता गोभी थोड़ी सी जल्दी पक जाती है तो इसे हम बाद में डालेंगे। तो चलिए अब इसके अंदर ये पत्ता गोभी डाल देंगे। मैंने 250 ग्राम पत्ता गोभी लिया था, इसे मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है और इसे मटर में डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें एक आलू भी डाल सकते हैं छोटी छोटी काट करके, पहले इसे तेल में भून करके निकाल लें और फिर मसाले भूनें और इसके अंदर डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 बड़ा चम्मच पानी इसके अंदर हम डाल देंगे जिससे मटर हमारी अच्छी तरीके से पक जाए और पत्ता गोभी। तो बहुत ज्यादा हमें इसे नहीं कलाना है, अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है तो आप ज्यादा पानी डाल सकते हैं, लेकिन हमें सूखी सब्जी बनानी है इसलिए हमने कम पानी डाला है। तो इसे हम ढक देते हैं, आंच को मीडियम रखेंगे और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे 5 मिनट तक, इसे हम पका लेंगे। तो चलिए हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने मीडियम आंच पर सब्जी को बना लिया है और आप देख सकते हैं सब्जी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो बहुत ज्यादा इसे हम नहीं गलाएंगे और आप देख सकते हैं इसका पानी भी सूख गया है, बिल्कुल लटपटी और बहुत अच्छी सब्जी हमारी बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसके ऊपर से हरी धनिया डाल देंगे, अपनी पसंद से कम या ज्यादा आप डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और हमारी ये पत्ता गोभी मटर की गर्मा गर्म सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे रोटी पराठे या फिर चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकालते हैं। तो इसे हरी धनिया से गार्निश कर देते हैं और हमारी मटर पत्ता गोभी की सब्जी बनकर तैयार हो गई, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। तो इसे झटपट बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी मटर और पत्ता गोभी की सब्जी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।